चलो तो कंटिन्यू करें। तो अभी जो डाउट्स होगा, जो कल हमने किया था कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के एनसीईआरटी वाले से और 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी किया था, जो क्वेश्चंस डाउट होंगे अभी 10 टू 11 पे डाउट क्लास होगी, तो अभी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा दिया गया, मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है मैथ्स में, तो मैं सोच रहे कि एमएस स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट कर दूं और जैम भी कर सकते हो ऐसा, क्योंकि जो एमएससी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस आप पढ़ोगे ना, जनरली उसमें प्रोबेबिलिटी भी आएगा जो जैम के सिलेबस में है, जो मैं पढ़ाऊंगा, इन्फ्रेंस आएगा जो इन्फ्रेंस भी है ना, हम लोग जैम के सिलेबस में कवर करेंगे, तो कुछ चीजें तो कॉमन ही है, कुछ मैथ के कोर्स आएंगे तो वो भी जैम मैथ जैम मतलब में मैथ्स पोर्शन में कवर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा वहां पे लोड नहीं रहता है, क्योंकि वो सिलेबस जो है कुछ सिलेबस कॉमन है जैम उस सिलेबस के साथ, तो उसके साथ ही प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन मेरे कॉलेज जाने आने का टाइम जो जाता है वो देखना पड़ता है आपको कि, तो कर सकते हो आप, अगर मैनेज कर सकते हो देन इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है,